हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज ये दिन थर्सडे, इस ब्लॉग को मैं अभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बासी काम है सारा हो चुका है, नहा धो के पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मेरी पक रही है क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर बस चाय पका रही हूँ, और उसके बाद चाय पीने के बाद जो बाकी का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो टी लवर है ना, वही जानते हैं कि चाय पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, चाय के बाद ही दिन की शुरुआत होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ चाय बनाने के टाइम से। तो अभी चाय पक रही है, इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जस्ट मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, और कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरा ट्राइपॉड का जो मोबाइल होल्डर है वो टूट चुका है। तो आज जो भी वीडियो वगैरह बनेगा इस टाइप से, मैं हाथ में हैंग करके बात करूँगी तो बनेगा। और खाना वगैरह मतलब जो भी, और जो रख के ट्राइपॉड पे रख के शूट करती थी वो सब नहीं हो पाएगा आज। तो बस अभी बस इधर चाय पका रही हूँ। सुबह उठ के झाड़ू पोछा किया है, पूजा किया है, और जो ये आम था ना, एक घर से जो आम मिला था उसे मैंने फैला दिया है, क्योंकि कार्टून में ना एक के ऊपर एक मतलब रह के ख़राब हो रहा था, तो मैंने इस टाइप से फैला दिया है। और बस अभी चाय पीऊँगी, और उसके बाद जाके नाश्ते वगैरह की तैयारी करूँगी। और दीप के लिए भी मैं बनाने उसको देने जा रही हूँ ब्रेड जैम। उसको ब्रेड जैम खाना है, उसको आज बोले दूध नहीं पीना। सुबह सुबह वो दूध ही पिलाती हूँ उसे मैं, लेकिन उसे आज नहीं पीना, उसे आज ब्रेड जैम खाना है। तो उसके लिए वही बनाने जा रही हूँ। जब तक चाय पक रही है तब तक मैं ब्रेड जैम वगैरह बना लेती हूँ। ब्रेड जाम बना लिया है, लगा लिया है, वो देख का आएगा, और हम लोग चाय ब्रेड खाने वाले हैं। अभी नाश्ते में यही हो जाएगा, और इसके बाद जाके मैं डायरेक्टली खाने का तैयारी करूँगी। तो आज नाश्ता नहीं बनाऊँगी मैं, नाश्ते में यही चलेगा, ब्रेड चाय बिस्किट देख का ब्रेड जैम, यही सब है हमारा आज का नाश्ता। तो अब डायरेक्टली खाना बनाने टाइम मिलती हूँ। लंच की बारी, चावल दाल पक के रेडी है, दोनों का गैस ऑफ कर दिया है मैंने, और इधर सब्जियां कट कर लिया है, आलू और परवल का भुजिया, और इधर करेला बनाऊंगी। ये सब सारी सब्जियां जो है ना सूख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। तो यही अभी मैंने करेला को काट करके नमक डाल के रखा हुआ है, अच्छे तरीके से वॉश करूँगी तो इसके बीजे निकालने पड़ती है मुझे। और यहाँ पे अभी परवल और आलू छौंक लगा दूंगी, और इन दोनों में प्याज पड़ेगा तो प्याज भी कट करके मैंने कटोरी में रखा हुआ है। तो अब बस ये सब्जी बना लेती हूँ। सो खाना अब बन गया, इधर मैंने सब कुछ ढक ढक के रख दिया है, और करेला और परवल का दाल इसमें है, छौंक के रखा है। किचन वगैरह सफाई वगैरह सब कुछ हो गया, बर्तनों को अभी इधर ही रखा है। अभी मैंने ना बर्तन वगैरह नहीं तय किया है, मुझे अभी किचन की एक दिन अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सो इसीलिए मैंने ना बर्तन वगैरह अभी अपनी अपनी जगह पर नहीं रखती हूँ। वो जो नए डब्बे वगैरह खरीदा है उसे भी अभी नहीं सजाया है, तो वो सब करना है। तो मैं ना खाना बनाने के बाद ट्राइपॉड का जो स्टैंड वो ढूंढ रही थी कि मिल जाए मुझे कैसे, क्योंकि जो ट्राइपॉड मैंने खरीदा था ना उसके साथ में दो मोबाइल होल्डर और दो कैमरा होल्डर, जो कैमरा वगैरह होता है छोटे मोटे कैमरा वगैरह होल्डर, एक साथ आया था। तो एक ही तो मैं यूज़ कर रही थी, तो तीनों मैंने एक साथ ही रखा हुआ है, कहाँ रखा है बिल्कुल भी याद नहीं। तो मैंने ये शोकेस जो है इसको पूरा खोल के खोजा, नहीं मिला। ये जो गोदरेज जो मैंने बनवाया है, तो इसमें तो नीचे अभी सफाई कराई है, तो इसमें तो कुछ मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी ढूंढा, क्योंकि काफ़ी सारे फाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, तो हो सकता है मैंने किसी चीज़ में डाल दिया, पर यहाँ भी नहीं मिला। ये सब कुछ सामान है देव का, सो तो यहाँ पे भी नहीं मिला, इसके अंदर ढूंढा, इसमें भी नहीं मिला। तो पूरा घर ढूंढ लिया है मैंने, ड्रेसिंग टेबल के अंदर वगैरह सब कुछ ढूंढ लिया है मैंने, तो अभी नहीं मिला है। और देव अभी पढ़ाई करने बैठा है, रात को उसने पढ़ाई किया था पर से लर्न उसका नहीं हुआ था, तो अभी वो लर्न कर रहा है।
और अब रह गया है ये जो बॉक्स खाट है ना मेरा, वो रह गया है। तो मैंने इनको सुबह में कहा था कि मेरा एक मोबाइल का जो होल्डर है वो ला दीजिएगा। तो इनका क्या है ना कि मेरा जो अगर कोई काम इनको बोलती हूँ तो उनको याद नहीं रहता जल्दी, 3-4 बार बोलना पड़ता है तभी उनको याद आता है। तो मुझे पता है वो भूल जाएंगे, गारंटी है इस बात का, भूल जाएंगे। तो अगर भूल गए, अगर नहीं भी भूल सकते, अगर भूल गए तब जाके मैं ये बॉक्स खट को सामान को निकालना पड़ेगा, उसमें झोले हैं इनके काफ़ी सारे तामझाम के सामान हैं वो सब निकालना पड़ेगा, तब जाके उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो अब देखती हूँ क्या होता है। तुम पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, लर्न हो जाए तो मुझे बोलना, हम पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में थोड़ी देर में, एक दो काम है वो निपटाने के बाद। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे मेरी क्या प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज से 7-8 महीना पहले मेरा जो है पीरियड है वो बंद हो गया था, बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा ये अच्छा बात नहीं है, इतनी का मतलब अभी के उम्र में थोड़े ना पीरियड बंद होने का उम्र आ गया कि जो तुम्हारा पीरियड इसलिए बंद हो जा रहा है। डॉक्टर दिखा ला। तो कहते कहते मैंने मेरे पीरियड का 5 महीना हो गया, मेरा पीरियड नहीं हुआ। तो फिर मैं घर गई, रामीगंज गई, यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया। वहाँ पे मेरा सुविधा होता है ना, भाई मेरे देव को दिखता है तो मैं डॉक्टर के पास आराम से जा पाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास तो कितनी लंबी लाइनें होती है इसी वजह से। तो वहाँ गई तो टेस्ट वगैरह हुआ, काफ़ी सारा टेस्ट वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद फिर लास्ट में TVS हुआ। तो उसके बाद जो मेरी बच्चेदानी है UTS, उसमें ट्यूमर था, तो तब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो जो मतलब पीरियड की जो नाली है उसको ब्लॉक करके रखा था, इसी वजह से मेरा पीरियड जो है वो बंद था। तो मैंने बोला डॉक्टर के क्या उपाय है इसका, मतलब अभी बड़ा है या छोटा है, तो बोला अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो दवाई से इसका इलाज हो सकता है, उन्होंने कहा। तो इसी वजह से मैं उसका इलाज करा रही थी। तो बच्चा अभी लेना नहीं था मेरा, कोई प्लान नहीं था अभी बेबी लेने का, तो इसी वजह से मैं इलाज कराते कराते डॉक्टर तो जब बच्चेदानी में UTS में जब ट्यूमर होता है तो बेबी तो नहीं रहता है, तो यही सोच के मैंने जो प्रेगनेंसी कट के दवाई लेती थी ना वो लेना बंद कर दिया मैंने, और जो दवाई वो चला रहे थे वो ही खाना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच में पता फिर बेबी भी रह गया, तो दवाई खाते खाते मैं पीरियड मतलब जो दवाई चलाया ना उन्होंने तो बीच में पीरियड हो गई। हाँ, एक बार बीच में पीरियड हो गई, तो पीरियड हो गई तो वही एक ही बार हुई, तो पीरियड बहुत क्लियर हुआ तो मेरा थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा कि जाक मेरा पीरियड हो गया। तो उसके बाद उसी पीरियड में शायद ये बेबी रह गया, और उसके बाद और पीरियड ही नहीं हुई। जनवरी का 20 और 21 को मैं पीरियड हुई थी, और ये बेबी उसी टाइम का है, एक महीने बाद का ही है, तो फरवरी का बेबी है। तो बस एक ही बार पीरियड हुआ और ये बेबी रह गया, तो उसके बाद फिर पीरियड नहीं हुई। तो फिर जब एक वो दवाई मैं कंटिन्यू ले ही रही थी, तो एक दो दिन जब मतलब एक दिन हफ्ते भर जब लेट हो गया तो मैंने चेक किया, तो बस मेरा प्रेगनेंसी जो है वो क्लियर हो गया। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसे में तो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं लोग, पर कैसे हो गई मैं, तो मम्मी बोले कि अच्छा जब हो गया है तो अभी ये सब दवाई बंद कर दो और एक बार और आ जाओ, यहीं इनसे कंसल्ट करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मतलब ठीक है, मतलब जो ट्यूमर है वो बच्चेदानी इसके बाहरी ऊपरी एरिया में है, बाहरी एरिया में है, अंदर की तरफ नहीं है, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रखना है इस बेबी को तो ले लो। तो सब ने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, बेबी भी बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब ले लेना चाहिए, अगर लेना है तो ले ही लो अभी आ गया है, तो किसी को मतलब ऐसा करना मतलब अबॉर्ट कराना अच्छा बात नहीं होगा। तो फिर हमने ये बेबी कंटिन्यू किया, और वो जो मतलब ट्यूमर है ना इसकी वजह से मेरे पेट में मतलब दोनों पैरों में प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम तो एकदम जान निकल जाता है मेरा दर्द से, प्रेशर पड़ता है ना और अजीब सा ही दर्द होता है। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसे ठीक हो जाएगा, फिर रात होते होते फिर दर्द बढ़ जाएगा, और रात को नींद भी नहीं आता, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही होते रहे। तो यही प्रॉब्लम है मेरा। तो जब बेबी होगा तो मेरा 3 ऑपरेशन होगा, एक सीजर होगा, दूसरा वो बच्चेदानी में जो ट्यूमर है वो निकाला जाएगा, तीसरा जो लाइकेशन है वो भी मैं साथ के साथ करवा लूँगी, वैसे भी सीजर है, 2 ही बेबी होना है। तो बस यही प्रॉब्लम था। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा मतलब उठने बैठने में दिक्कत होती है, नीचे ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ, तो यही सब प्रॉब्लम है। तो अब देखती हूँ आगे क्या होता है।
जो भी होगा अच्छा ही होगा, मतलब इस बेबी को आने का टाइम हो गया था, तो जैसे अभी आना हो, जिसको आना होता है वो तो आ ही जाता है ना, तो बस यही हुआ। और अब नवंबर का डेट है इसका होने का, और मेरा 5वां महीना चल रहा है, नवंबर का डेट है और सीजर ही होगा, तो बस यही प्रॉब्लम थी। तो इसी को मैं बोल रही थी मेरी प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो होप आप क्लियर हो गया होगा। सो देखते देखते अब लंच का टाइम हो गया था। लंच मैंने बहुत देर पहले बना लिया था, आज नाश्ता नहीं बनाना तो लंच जल्दी बन गया था, पर इनका ही पता नहीं था ये पार्टी को माल देने चले गए थे, और आते आते इनका 3:30 हो गया टाइम देव को छोड़ के आते आते, तो यही आज लंच था इनका, मैंने पहले लंच कर लिया था। और ये डायरेक्टली शाम का क्लिप है, इस बीच मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे देव खा रहा है पुचका, तो ये बहुत अच्छी जगह से पुचका लेके आते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा से वो बेचता है। अगर वो मतलब उसके लिए ना हमें चब्बासरी बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहीं से लेके आए हैं। और ये वाला मेरे लिए भी लाए हैं, देव के लिए भी लाए हैं, तो मैं अपना खाते हुए तो शूट नहीं कर सकती आज, पर ये देव का उसके पापा बना बना के दे रहे हैं और देव खा रहा है, बहुत पसंद करता है देव भी पुचका, तो वो भी यहाँ पे खा रहा है। हम लोग इसको पुचका बोलते हैं, उधर दिल्ली वगैरह की तरफ गोलगप्पा बोलते हैं इसको। तो अभी हो रहा है रात का 12, और शाम को ही जो मैंने शूट किया था उसके अलावा आज ज़्यादा अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाई हूँ ट्राइपॉड के बिना। तो मेरा जब काम है वो कंप्लीट हो गया है, देखिए किचन वगैरह सब कुछ मैंने एकदम से साफ़ कर लिया है, मैंने कुछ भी कहीं पे भी नहीं सोया है, और सारे बर्तन धो धा के यहीं रखती हूँ मैं, तो यहीं पे रखा हुआ पानी निकलने के लिए, सारा सब कुछ हो चुका है काम। अब बस रह गया है इस वीडियो को एडिट करना, तो अब मैं जा रही हूँ इस वीडियो को एडिट करने। देव के पापा देव ये सब खा पी के सब सो गए हैं, तो अब आराम से यहाँ पे इस फ्रिज के सामने में यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं इस वीडियो को एडिट करने, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।